फाइनली लॉन्च हो चुका है सोनी का ZV-E10 Mark II। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस कैमरे को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसमें अपग्रेड करके आया है और ये इंडिया में कितनी इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली यार, क्योंकि ZV-E10 Mark I ने काफी टाइम तक हम लोगों ने यूज किया इंडिया में, बहुत ही बढ़िया वो कैमरा रहा है। तो अभी ये Mark II इसका अपग्रेड है तो ऑब्वियसली उससे बेस्ट तो होगा ही, बट हम यहाँ पे प्राइसिंग के साथ साथ कंपेयर करेंगे इसके फीचर को और डिटेल में जानेंगे इसमें क्या कुछ चीजें हमें मिलती है और ये कैमरा किन लोगों को लेना चाहिए एज अ क्रिएटर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ब्लॉगर। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो करते वीडियो को स्टार्ट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहेंगे। बात कर लेते हैं लेंस से, लेंस इसमें 1650mm का दिया गया है जो कि वाइड लेंस है, एज ए ब्लॉगिंग के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। सेकंड चीज आ जाती है मेगापिक्सल, ये आता है 26 मेगापिक्सल के साथ जिसमें की फोटो और वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है। थर्ड चीज, अब इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60fps तक, बट हाँ ये कैमरा क्रॉप है तो 1.1 पे क्रॉप करके ही ये रिकॉर्ड करेगा। काफी सही चीज है यार, 4K 60 दे रहा है भले ये क्रॉप में। और हाँ इसमें आपको 4.2 10 bit पे रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इन्होंने अपग्रेड कराया, पिछले कैमरा में 8 bit तक थी, इसमें आपको 10 bit तक रिकॉर्डिंग करने को मिल जाती है, यानी कि कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कलर ग्रेडिंग की बात आई गई तो मैं आपको यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आपको एस सिनेटोन दिया गया है। एस सिनेटोन वो होता है अगर आप शूट कर रहे हो और उसी समय कलर ग्रेड करना चाहते हो इनबिल्ट कैमरे के अंदर सिनेमाटोन में, कैमरा जो इनबिल्ट ही आपको फुटेज कलर ग्रेड करके दे देगा, बाकी आप इसको बाद में भी कलर ग्रेड कर सकते हो। बाकी इसमें आपको सोनी का एस लॉक तो मिलता ही, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बात करें फोकस पॉइंट की तो पहले वाले में आते थे 425 फोकस पॉइंट, अभी इसमें 759 ऑटो फोकस पॉइंट दिया जो कि यार 85 से 90 एरिया कवर कर लेता है, तो फोकसिंग भी पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। एक बेस्ट फीचर लगा सभी क्रिएटर के लिए, ये मुझे काफी पसंद आया क्योंकि मैं मोस्टली रील शूट करता हूं, किसी भी क्रिएटर का मैं वर्टिकल मोड में करता हूं, बट जो फुटेज देखता हूं तो लैंडस्केप में हो जाती है, फिर मुझे कंप्यूटर में जाके रोटेट करना पड़ता है या फिर अपने फोन में रोटेट करना पड़ता है, उसके बाद एडिट करना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अगर हम इसको वर्टिकल करेंगे कैमरा को तो वर्टिकल मोड में ही आपको शूट करके देगा। ZV-E1 कैमरा में फीचर था, वो फीचर इस कैमरे में आ गया, डायरेक्टली आप यहां पे यहीं से शूट करके यहीं से कलर ग्रेड करके यहीं से अपलोड कर देते तो मजा आता, बट अपलोड करने के लिए अपने फोन में डालना होगा, देन अपलोड कर सकते हो। फीचर जो यार मैं चाहता हूं हर एक क्रॉप सेंसर कैमरा में रहे वो है इनका फुल फ्रेम कैमरे में जो बैटरी लगती है ना, वो बैटरी देनी चाहिए हमें क्रॉप सेंसर वालों को भी, क्योंकि एक तो बैटरी बैकअप बढ़िया हो जाएगा, सेकंड चीज क्या होता है कि हम बाद में अपग्रेड करते फुल फ्रेम कैमरा में तब हमें फिर से नई बैटरीज खरीदनी पड़ती है, बट अब इसमें ये दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें इन्होंने ऑलरेडी ही सोनी की NPFZ बैटरी दे दी जो कि फुल फ्रेम कैमराज में लगती है, तो अब वो कैमरा की बैटरी आप इसमें यूज कर सकते हो या इसकी बैटरी आप फुल फ्रेम कैमराज में भी यूज कर सकते हो। ये चीज मुझे काफी बेस्ट लगी इसकी। ओके, तो ये थे कुछ अपग्रेड इस कैमरा में जो कि ZV-E10 के मुकाबले इसमें काफी बढ़िया कुछ फीचर दे दिया है इन्होंने। यहाँ पे आप बॉडी बाय बॉडी कंपैरिजन भी देख सकते हो, मैंने इमेज लगा दी है, इसकी बॉडी जो थोड़ी थिक होगी क्योंकि यार ऑब्वियसली इसमें बड़ी बैटरी लगा दी गई है, और साथ ही यहाँ पे ऑटो फोकस के साथ साथ ह्यूमन ऑटो फोकस, एनिमल ऑटो फोकस एंड बर्ड ऑटो फोकस का ऑप्शन भी दे दिया गया है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ एनिमल शूट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीरीज बैटरी जो है नीचे लगेगी दूसरे कैमरे की तरह, बट यहाँ पे कार्ड अब आप साइड में लगाओगे क्योंकि नीचे बड़ी बैटरी आ चुकी है, साथ ही आपको यहाँ पे हेडफोन माइक और सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है। देखो ये कैमरा मुझे बेस्ट लगा। बात करें कंक्लूजन की, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कैमरा क्रॉप सेंसर कैमरा है, इसमें सेंसर जो लगा है वो सोनी FX30 या सोनी A6700 में जो लगा है वही सेंसर इसमें लगा है, सुपर 35 सेंसर आप इसको कह सकते हो। और सेकंड चीज जो है इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं मिलता जो कि डेडिकेटेड फोटोग्राफी के लिए रहता है, ये जो कैमरा डेडिकेटेड बना गया एज अ क्रिएटर के लिए, कंटेंट क्रिएटर को क्या आता है फोटोशूट भी करते हैं 26 मेगापिक्सल से, वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट कर सकते, तो फोटोज भी काफी तगड़ी आ जाती है इसमें, तो इसको हम एज अ फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं बस व्यू फाइंडर को छोड़ के, क्योंकि इसमें 26 मेगापिक्सल का सेंसर है तो फोटोज क्वालिटी काफी शार्प रहने वाली है, वीडियोज काफी अच्छी आने वाली है। इसमें एस्टोन आपको मिल जाता है, सिनेमैटिक लट का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है, 4:2 10 bit पे इस पर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, बड़ी बैटरी मिल जाती है, बढ़िया कार्ड सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और टिल्ट और 3x डिस्प्ले भी इसमें आपको मिल जाती है, 85 से 95 पॉइंट तक ऑटो फोकस पॉइंट जो कवरेज रहता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले कैमरा से तो ये कैमरा जो काफी तगड़ा अपग्रेड है। अब मैं आपको बता दूं पिछला कैमरा था वो अराउंड 60,000 के अराउंड आता था, ये जो कैमरा लॉन्च हुआ है उसकी प्राइसिंग है 85,000, अभी इंडिया में आते आते आई थिंक 1 lakh के अराउंड हो सकता है, बट मेरा कहना ये कि यार अगर 1 lakh के अंडर भी रहता है ये कैमरा तो बेस्ट डील होने वाली है, बेस्ट कैमरा अंडर 1 lakh ये कैमरा हो जाएगा। वेट करते हैं इंडिया में लॉन्च होने का, उसके बाद जैसे कैमरा आएगा इसका अनबॉक्सिंग भी करूंगा, रिव्यू भी करूंगा, सारा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और लाइक कर देना, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।